बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनकी फिल्में लगातार सफल हो रही हैं और लोग उनमें भरोसा जता रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले काफ़ी समय से दीपिका डिप्रेशन के साथ अपनी लड़ाई पर काफ़ी बोलती रही हैं। हाल ही में एक मैगजीन से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर से इस मुद्दे की बात की। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो मैगजीन से बात करते हुए दीपिका ने कहा कि डिप्रेशन के साथ उनकी लड़ाई को केवल एक शब्द से बयां किया जा सकता है और वो है संघर्ष। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्रेशन से लड़ने में हर एक सेकेंड संघर्ष करना पड़ा और वो हर समय थका हुआ महसूस करती थी। जानकारी देता आपको कि सुपरस्टार सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने देखा है कि बहुत से लोग छुट्टियों पर जाते हैं लेकिन वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे सलमान ने कहा था कि बहुत से लोग अवसाद में चले जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चाहे वो किसी भी स्थिति से गुजर रहे हों ये उनके खिलाफ काम करता है। खैर अगर बात करें दीपिका के वर्क फ्रंट की तो इस समय मेघना गुलजार की आने वाली फिल्म छपाक में काम कर रही हैं वो, जिसमें वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा दीपिका अपने पति रणवीर के साथ फिल्म तरासी में भी नजर आएंगी। SP9 न्यूज से अजय की रिपोर्ट।